हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबुत हरी मूंग की दाल, जिसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी हरी मूंग, एक प्याज बारीक कट की हुई, एक टमाटर बारीक कट किया हुआ, कांदा लहसुन मसाला, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच राई, एक चम्मच नमक। चलिए, सब में पहले हम कुकर में हरी मूंग डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर, एक गिलास पानी डालेंगे और इसे ढककर 5 सीटी ले लेंगे। देखिए, दाल गल चुकी है। अब हम दाल में 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। चलिए, अब हम दाल बघार लेते हैं। सब में पहले हम भगोने में तेल डालेंगे। देखिए, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें राई डालेंगे, जीरा, कढ़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, कांदा लहसुन मसाला डालकर अच्छे से भून लेंगे। देखिए, ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें उबली हुई हरी मूंग डालेंगे, नमक डालेंगे और कट किया हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे बॉईल आने तक पका लेंगे। देखिए, दाल पक चुकी है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।